नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर प्रयागराज से। प्रयागराज के मनका मनेश्वर मंदिर में पूजा पाठ के बाद हुई भारत जोड़ो यात्रा। जी, आपको बता दें कि भारत जोड़ो पद यात्रा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अजय राय संगम पर पहुंचकर स्नान किए, उसके बाद काफिले के साथ मनका मनेश्वर मंदिर पहुंचकर विधिवत वैदिक रीत से रुद्राभिषेक भगवान मनका मनेश्वर मंदिर में किया। बताते चले कि इसके बाद कांग्रेस सेवा दल तिरंगा ध्वज लेकर लगभग 3:30 बजे 100 किलोमीटर की भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू की गई। इसके साथ ही इस यात्रा में गाजे बाजे तिरंगे झंडे NICOI के झंडे में लेकर भारत जोड़ो भारत की जय के नारे के साथ ADC कीर्तगंज थाने वाली रोड से होते हुए बहादुरगंज लोकनाथ चौराहा चौक बाजार में स्थित नीम के पेड़ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कमल पुष्प अर्पित किए और बड़े स्टेशन सलीग्राम की मूर्ति पर माल्य विरवा स्थल द्वारा समाधि स्थल पर सभा को संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जनता, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, व्यापार बंद हो चुके हैं, कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है, कर्मचारियों का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। अब जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और आज भारत जोड़ो पदयात्रा में उमड़ा जनसैलाब और जगह जगह लोगों का स्वागत यह बता रहा है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की लहर देखने को मिलेगी। और बताया यह पदयात्रा मनका मनेश्वर मंदिर के रुद्राभिषेक से शुरू हुई और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो पदयात्रा जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चल रही है, उसमें लोगों का जनसैलाब देखा जा सकता है। और इसमें मौजूद रहे राकेश पटेल, निशांत रस्तोगी, रघुनाथ द्विवेदी, हरकेश त्रिपाठी, फुजैल हाशमी, माधुरी राय, डॉक्टर सत्य पांडे, ब्रिजेश मिश्रा, विनय पांडे, प्रसाद पांडे उपस्थित रहे। प्राग एक्सप्रेस न्यूज से इरफान की खास रिपोर्ट। अस्वस्थ होने के बाद राजेश तिवारी जी हमारे राष्ट्रीय सचिव, देखिए आज वहाँ से चलकर छत्तीसगढ़ हम लोग के बीच में आए। हम सब लोगों का ये प्रयास है कि सब लोग मिलकर भारत के अंदर जो ये वातावरण बना है, वातावरण को हम ठीक करें, जोड़ें। आज इस तिरंगे के नीचे हम सब लोग ये सौगंध लेकर आते जाएं कि पूरे भारत को जोड़े और ये संगम नगरी जहाँ माँ गंगा भी बहती है, यमुना भी है, सरस्वती भी है, जो पूरे देश के लोगों को ये नदियाँ जोड़ती हुए आ रही हैं, आज इस संगम नगरी से भारत जोड़ो यात्रा की इस प्रयागराज प्रांत की शुरुआत हो रही है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़े होइए, इस राष्ट्र को बचाइए, इस देश को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।